Okay, students, we now the running on chapter 8, body movements. Today's we are understand the earthworm. Everywhere, every students know about the earthworm, observe an earthworm moving on soil. In a garden, generally lift it and place it on place. Filter paper, observe the movements, then place on the smooth glass or any surface, observe its movement. Now it is the different from the paper frame that on papers, in which of the above two surface you find that the earthworm is able to मूव इजिली. भी आपने अर्थवॉर्म सभी को देख आपने सभी ने अर्थवॉर्म को देखा होगा. अर्थवॉर्म मीन्स यहाँ पे हम केचुए की बात कर रहे हैं. केचुओं को जनरली सबने देखा होगा. इट्स मूव द एवरीवेयर. एंड अगर मैं उसको किसी सरफेस की बात करूँ, मैं इसके किसी ग्लास समतल पृष्ठ या किसी ग्लास पर, कांच के ग्लास पर इसे मूवमेंट करने के लिए कहूँ, तो आप देखोगे कि भाई ये कांच के ग्लास पर, यानी कि बिल्कुल समतल पर, धरती पर, तो ये कहीं पे भी मूव करता है और मिट्टी को उठा करके बाहर कर देता है. और अगर हमें ग्लास में इसे मूव करने के लिए कहें तो भाई इसे इट इज़ नॉट पॉसिबल ईजिली. इजिली नॉट पॉसिबल. ये अच्छी तरीके से वहाँ मूव नहीं कर पाएगा. तो एक तरीके से केचुआ किसानों का मित्र भी कहलाता है, जिसके कारण यानी फास्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स. अर्थवॉर्म इज फास्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर, यानी कि बहुत ही क्लोजली फ्रेंड है. ये भूमि को उपजाऊ बनाने का काम करता है. लगभग 6 महीने में कई लाख बार यह भूमि की मिट्टी को पलटता है, यानी कि एक बार अंदर जाता है फिर बाहर आता है. यानी कि मिट्टी को पलटने का काम, यानी उपजाऊ बनाने का काम भी केचुआ करता है. अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, इट इज हैज मसल्स विच हैव टू एक्सटेंड एंड द शॉर्टन ऑफ द बॉडी. भी अर्थवॉर्म की बात अगर हम करते हैं तो अर्थवॉर्म के पास, जैसे हमारे पास कई हड्डियाँ होती हैं, लगभग एक सामान्य मनुष्य के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं. बिकॉज अगर हम देखें कि, लेकिन जनरली अगर केचुए की बात करें तो कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, जैसे केचुआ हो गया. केचुए के शरीर में केवल मसल्स होती हैं, मसल्स के अलावा किसी प्रकार का कोई भी इसके पास बोन्स नहीं होती है. इट इज नॉट हैव एनी बोन्स. एक्सटेंड एंड द शॉर्टन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म फास्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्सन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ देन इज फिक्स द फ्रंट एंड द रिफ्लेक्स रिलाइज द रियर एंड ऑन एंड इट इज शॉर्टन बॉडी एंड पुल्स ऑफ द नियर एंड टू द फॉरवर्ड. भाई आप देखते हो कि अपने आप को वो पुल्स करता है, खींचता है केवल. और इस तरीके से आप एक केचुए को आपने सबने ऑलरेडी सीन कर रखा होगा. दिस इज इट इज मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस रिपीटिंग सर्च ऑफ मसल्स एक्सपेंसेस एंड कंटिन्यूस द अर्थवॉर्म कैन बी मूव थ्रू आउट द सॉइल. इट इज इट्स बॉडी स्केयर स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट. भाई देखा होगा कि इसके शरीर में, अगर हम देखें एक केचुए को, तो इस तरीके से केचुआ होगा, उसके शरीर में बहुत सारी धारियां टाइप की होंगी. इस तरीके से धारियां टाइप की होंगी जो उसको मूव करने में, केचुए को मूव करने में क्या करते हैं, सहायक होती हैं. और मिट्टी में अपने आप को वह इजीली मूव कर पाता है. और द अर्थवॉर्म इज एक्चुअली ईट्स इज वे थ्रू ऑफ द सॉइल्स. अगर हम उसके भोजन की बात करें अर्थवॉर्म की, तो वो इस क्या खाता है, सिंपली मिट्टी ही खाता है. आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे स्नेल, इसी के तरह एक और जीव है जिसे हम स्नेल कहेंगे, जिसे आप बरसात के दिनों में
घोंगा आपने देखा होगा, हम उसकी बात करेंगे, हम उसको एक्टिविटी 6 पे अब हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।